आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, लेट एफ इज इक्वल्स टू 1, 4, 2, 5, 3, 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 to 1। तो आपको प्रूव करना है कि एफ जो है ये 1 to 1 फंक्शन है। तो आपको क्या गिवन है, ए सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, बी सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 7, और एफ जो है फंक्शन वो क्या है 1, 4, 2, 5, 3, 6। तो अगर आपको इसको 1 to 1 प्रूव करना है, हम इसको एक डायग्राम से प्रूव करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ ए और बी का, जिसमें हम फंक्शन 1 to 1 फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो ये ए सेट है, ये बी है सपोज, तो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज 1 to 1 इफ ईच एलिमेंट of domain is assigned a unique element of range set, जो रेंज का सेट है उसका एक यूनिक एलिमेंट उसको असाइन किया जाए। अब वन फर्स्ट क्या है 1, 4, तो 1 is assigned to 4, 2, 5, 2, 5, 3, 6। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए का हर एलिमेंट जो है असाइन होना चाहिए बी के हर एक किसी यूनिक एलिमेंट से। तो ए के सभी एलिमेंट्स असाइन है और बी के किसी यूनिक एलिमेंट्स को असाइन है, किसी सेम पे असाइन नहीं है। तो दैट मीन्स इट इज अ 1 to 1 फंक्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।